हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे अपना सेकंड चैप्टर धरातलीय संरचना। ये बीए फर्स्ट का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है, धरातलीय संरचना। हमारे चैप्टर का नाम है धरातलीय संरचना, जिसको बोलते हैं रिलीफ स्ट्रक्चर। भूआकृति के अनुसार हमने भारत को 6 भागों में बांटा है। भूआकृति के अनुसार हमने भारत को 6 भागों में बांटा है। पहला है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं, यह है हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड आता है इसमें उत्तर भारत के विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान। इसमें थर्ड नंबर पे आता है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। थर्ड पे फोर्थ पे आते हैं हमारे तटीय क्षेत्र। फिफ्थ पे आते हैं हमारे द्वीप समूह। सिक्स पे आते हैं हमारे भारतीय मरुस्थल। भूआकृति के अनुसार हमने भारत को मुख्य 6 भागों में बांटा है। पिछली क्लास में हमने उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं टॉपिक ही अपना कवर कर दिया था। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उत्तर भारत के विशाल मैदान। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है और ये बनते कैसे हैं, इनका विस्तार कौन से राज्य में है, कौन कौन सी फसलें उगती हैं। इन सभी बातों का अध्ययन हम अपने आगे इस लेक्चर में करेंगे। आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान। तो उत्तर भारत के मैदान भी लिख देते हैं इनको। सबसे पहले तो इनके बात करेंगे विस्तार के बारे में। इनका विस्तार हिमालय के दक्षिण से स्टार्ट होता है, उत्तर भारत के विशाल मैदान। उत्तर में तो आता है इनका हिमालय, दक्षिण में आते हैं इनके प्रायद्वीपीय पठार। इसके बीच में विस्तार है हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान का, और इसके पूर्व में लगता है असम, असम और बांग्लादेश। यह है पूर्व में, और इसके पश्चिम में लगता है पाकिस्तान। हमारा जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है हिमालय पर्वत के दक्षिण में है, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में है, इन दोनों के बीच में है। पूर्व में इसके बांग्लादेश लगता है और पश्चिम में इसके पाकिस्तान लगता है। इसके बीच में स्थित है हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान। विशाल मैदान बनता कैसे है, इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियों के निक्षेपों द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। इसकी लंबाई, लंबाई की बात करते हैं अगर हम, लेंथ की उत्तर भारत के विशाल मैदान की 3200 किलोमीटर है। अगर बात करते हैं इसकी विड्थ की, चौड़ाई की, चौड़ाई इसकी 150 से 300 किलोमीटर है। चौड़ाई हो गई ये 150 से 300 किलोमीटर चौड़ाई है हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान की। पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है, जैसे जैसे ये पूर्व में जाता है तो इसकी चौड़ाई है ये कम होनी स्टार्ट कर देती है। पूर्व में इसकी चौड़ाई 90 से 100 किलोमीटर है, पूर्व में इसकी चौड़ाई 90 से 100 किलोमीटर है, और यहां पे इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। जैसे जैसे हम
इसमें जाते हैं, इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। इसकी हाइट की बात करें, समुद्र तल से 1000 से 2000 मीटर इसकी हाइट है समुद्र तल से। काम की मिट्टी के कारण इसकी जो हाइट है वो बढ़ जाती है। ये इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट होगी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मैदानों के भौगोलिक वितरण, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ नॉर्थन प्लेन। उत्तर भारत के विशाल मैदान का हम भौगोलिक वितरण अब आगे पढ़ेंगे। इसका विस्तार, इसका प्लेस, इसके बारे में पता लग गया, तो अब इसके बारे में बात करेंगे हम कि इसका भौगोलिक वितरण कैसा है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का भौतिक विभाग, भौतिक विभाग इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जियोग्राफिकल डिवीजन, जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन। सबसे पहले तो जो हमारा हिमालय पर्वत के बाद में भाग आता है वो आता है भाबर, भाबर तराई, बांगर, और जो न्यूनतम मिट्टी का होता है उसका नाम है खादर। भौगोलिक विभाग में हमने भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा है, भाबर का मैदान, तराई का मैदान, बांगर का मैदान और खादर का मैदान। जब सबसे पहले नदियां हिमालय पर्वत से मैदानी भागों में आती है तो वह प्रदेश आता है भाबर। यह हिमालय पर्वत हो गया। इसके बाद जब सबसे पहला मैदान आता है तो वो आता है भाबर का मैदान। इसका विस्तार रावी नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है। भाबर का विस्तार रावी नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है। जब पर्वतीय क्षेत्रों से नदी मैदानी भागों में आती है तो उनका वेग कम हो जाता है। इस कारण वह अपने साथ लाए कंकड़ पत्थर वहीं पे ही निक्षेप कर देती है और ये नदियां उसी के अंदर जलमग्न हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, भाबर रीजन, भाबर क्षेत्र। यहाँ पे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं और वो नदियां अपने साथ लाके यहीं पे डिपॉजिट कर देती है, निक्षेप कर देती है उन कंकड़ पत्थरों का और उसी के अंदर जलमग्न हो जाती है। जो कोई बहुत बड़ी नदी होगी उसका ही पानी धरातल पर दिखाई देगा, अन्यथा छोटी मोटी नदियां धरती में समा जाएंगी और अपने वो विलुप्त हो जाएंगी। कहां पे, भाबर में। इसका विस्तार कहां से कहां तक है, रावी नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, और कहां पे, हिमालय के फुट हिल पे भाबर का निर्माण होता है, हिमालय के गिरिपद में, हिमालय के गिरिपद में। गिरिपद मतलब इसके जो बिल्कुल तलछटी में बनता है वो भाबर रीजन होता है हिमालय का। और इसमें क्या होता है, ये खेती के लायक नहीं होती बिल्कुल भी जगह, जो भाबर रीजन है ये खेती के लायक नहीं होती, ना ही इनमें अधिक जनसंख्या निवास करती है, ना ही खेती हो सकती है, यह एक आदर क्षेत्र है। इसके बाद में तराई क्षेत्र, जहां पे ये नदियां विलुप्त होती है, उसके बाद में जब आगे आकर मैदानी भाग में ये नदियां पुनः हमारी धरती पे आ जाए, प्रकट हो जाए हमारी पृथ्वी पे, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है, तराई क्षेत्र कहलाता है। ये नदियां यहां पे विलुप्त हो गई, इसके बाद में जहां क्षेत्र में ये प्रकट होगी उसको क्या बोलेंगे, तराई क्षेत्र। इसको बोलते हैं तराई क्षेत्र, इसको बोलते हैं भाबर क्षेत्र, भाबर रीजन। यहां पे नदियां वापिस हमारे सामने जो विलुप्त हुई थी प्रकट हो जाएंगी, और ये भी एक दलदली सा एरिया होता है। अब खेती करना भी यहां पे लोगों ने स्टार्ट कर दिया है जिससे अच्छी पैदावार लेते हैं। ये है वो तराई क्षेत्र। तराई के बाद में बांगर क्षेत्र, यह भी जलोढ़
जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से ही बनता है बांगर रीजन, लेकिन अब उस स्थान पे बाढ़ें नहीं आती। प्राचीन काल में बांगर क्षेत्र बना है, इसके बाद में यहाँ पे बाढ़ें नहीं आती, वो क्या होगा? बांगर क्षेत्र। खादर क्षेत्र, जहां पे निरंतर बाढ़ें आती रहती हैं और हर बार नई जलोढ़ मिट्टी बिछी रहती है, तो उसको बोलते हैं खादर क्षेत्र। हर बार नूतन जलोढ़ मिट्टियों से बनता है, न्यूनतम जलोढ़ मिट्टियों से इसका निर्माण होता है। बहुत पहले जलोढ़ से ही इनका निर्माण हुआ था, लेकिन अब यह बहुत ऊंचा क्षेत्र होने के कारण अब यहाँ पे और नवीन मिट्टी नहीं आती, ये पुरानी मिट्टियों का क्षेत्र है जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे विलुप्त हुई नदियां वापिस आ जाती है तराई रीजन में, और ये खेती करने योग्य स्थान बचा है अब भी। यहाँ पे अब इसको सुधार करके खेती, अच्छी खेती होने लग गई है इसमें। इसके बाद में उत्तर भारत के विशाल मैदान के कई अन्य लक्षण भी है। कहीं कहीं पर बांगर क्षेत्र में जो ऊपर ऊंचे उठे हुए बालों के भाग होते हैं उसको भूड़ बोलते हैं। भूड़, उसको क्या बोलते हैं? भूड़। बालू के ऊंचे ऊंचे उठे भाग होते हैं क्षेत्र में, उसको भूड़ बोलते हैं। और जो कई नदियां यहाँ पे आके मैदानी भाग में आके विश्रप आकार बना देती है उसको गोखुर झील बोलते हैं। ऐसे सर्प की तरह नदियां चलने लगती हैं मैदानी इलाकों में अलग अलग जगह पे, उनको विश्रप बोलते हैं। और जो झीलें का निर्माण होती है उनको गोखुर झीलें बोलती हैं। आपको इसके अंदर ज्यादा डीप में नहीं जाना, बस जितना मैंने बताया है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको पढ़ना है। इसके बाद में अगर ज्यादा डीप जाओगे तो ये जो क्वेश्चन आपका कवर अप नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्लास में उत्तर भारत के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।